नमस्कार दोस्तों, मैं ओमकार। ये पर्टिकुलर वीडियो होगा आज के राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के ऊपर। तो भैया स्वागत है आपका खुशबू के नए अवतार में। तो जल्दी जल्दी इसको सब्सक्राइब करो और एंजॉय करो रे बाबा, एंजॉय करो। तो बहुत ही ब्यूटीफुल माहौल रहा सुबह से, और दोपहर में जब मैंने फोन खोला तब मैंने एक इंसिडेंट देखा जो मीरा रोड में हुआ, एंड बुरा लगा। तब से मेरा थोड़ा मूड अपसेट है। नॉट बिकॉज कि मुझे पता था कि ऐसे कुछ वारदात होंगी, बट नहीं लगा था कि ये महाराष्ट्र मुंबई में होगी। बिकॉज मैं बहुत सालों से मुंबई में रह रहा हूँ, और जब से मैं पला बड़ा हूँ, जब से मैं बड़ा हुआ हूँ, तब मैंने ऐसी चीज़ें नहीं देखी है। बुरा लगा उस बात का। पहली बात, मतलब फर्स्ट थिंग, अगर आपको ये पॉलिटिकल एजेंडा लग रहा है तो कोई नहीं कह रहा है कि आप ये देखकर बीजेपी को वोट दो, मत दो, इट्स ओके। बट क्या आप खुश हो सकते हो कि इतने साल के बाद एक बहुत बड़ी चीज़ हो रही है? दूसरी बात, जो चीज़ हो गई, जिस जो काइंड ऑफ वायलेंस हुआ, उसको आज 20 साल के ऊपर हो चुका है। उसके बाद एक जुडिशियल सिस्टम इंडिया में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के तत्वाधार ये डिसीजन लिया गया है, और ये दोनों पार्टीज ने बहुत समझदारी से, बहुत ही प्रॉपर तरीके से इसको एक्सेप्ट किया है। बात, मैंने उसके ऊपर एक पोस्ट भी डाला कि डोंट गेट यू नो इन्फ्लुएंस्ड बाय ऑल दीज पॉलिटिकल विंग्स। मैं एक सिंपल क्वेश्चन बोलता हूँ, क्या ये काइंड ऑफ जो डिसीजन है, फास्ट ट्रैक कोर्ट है, ये सारी चीज़ें राइट फ्रॉम द स्टार्ट नेहरू जी के पास नहीं थी क्या? इंदिरा जी के पास नहीं थी क्या? सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह जी के पास नहीं थे? सबके पास था, राइट? तो इन्होंने भी इस चीज में एक पॉलिटिकल बायस किया हुआ है, और ये चीज सदियों से चली आ रही है। तो आज अगर बीजेपी पार्टी ने, मोदी जी ने अपने पार्टी के लिए ये चीज की है, तो ठीक है, बिकॉज तभी हम ओके थे, तो अभी हम लोग क्यों बोल रहे हैं? और अगर बोल रहे हो तो किसने कहा कि आप जाके वोट बीजेपी को करो? आप सिंपली एक ही चीज करो जो आप कर सकते हो, आपके एरिया में जो कॉरपोरेटर, जो आमदार, जो खासदार काम कर रहा है, उसको वोट करो। कोई नहीं कह रहा है कि मोदी जी को जिताओ, सिंपल बात है। बट आज जो उन्होंने काम किया है उसकी प्रशंसा होनी चाहिए। दैट इज समथिंग दैट एवरीबडी शुड रिस्पेक्ट, एवरी कास्ट, एवरी क्रीड, एवरी रिलीजन। And that is Bharat, right? That is India. And this is what we live for. This is what we are proud of. मुझे बहुत बुरा लगा जो हुआ, because महाराष्ट्र मुंबई is my place, is मेरा, मैं पला बड़ा हूँ वहाँ पे, मेरे दोस्त हैं वहाँ पे, हर जाति के, हर धर्म के, और मैंने वो एक्सचेंजेस किए हैं उनके साथ, और मुझे नहीं लगता कि वो ऐसे लोग होंगे जो इस तरीके से रिएक्ट करेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरी श्रद्धा, मेरी फेथ मेरे जगह पे है, उनमें भी और मुझ में भी। तो अगर आप थोड़ा भी नेगेटिव फील कर रहे हो तो प्लीज मत करो, इट्स ओके। हम जैसे बहुत सारे लोग हैं जो इस उत्सव को सिर्फ उत्सव की तरह देख रहे हैं और पॉलिटिकल एजेंडा की तरह नहीं देख रहे। थैंक यू, बस ये कहना चाहता हूँ। और सबके आनंद के लिए एक चीज़ बोलूँगा कि जय श्री राम। आज बहुत अच्छा लगा, आज पूरा जो उत्साह, आज पूरा जो एक साइड से जो एक काइंड ऑफ हैप्पीनेस दिखा वेदर में, बहुत अच्छा था। हम एक बहुत अच्छे नेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। एक दूसरे को समझ के चलेंगे तो एक राष्ट्र बना पाएंगे, एक राष्ट्र बना पाएंगे तो हमारी जो आने वाली नस्ल है उनके लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दे पाएंगे उनको आगे बढ़ने का। और शायद ग्रोथ इज द ओनली वे टू लुक फॉर इट। दैट्स ऑल, थैंक यू, यू आर वॉचिंग क्रिसमस, हैव अ ग्रेट डे। I'm never gonna slack. Coming like working and learning and searching for something to push my shit over the edge. I'ma keep burning and turning the profit. You know I can't stop it until I am dead. Gonna be unstoppable.